हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जी आप इस व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है तो वो थोड़ा सा हटके है। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको अपने व्लॉग का थोड़ा सा हिंट दिखा देती हूँ, तो आप गेस कीजिए कि मैं अब क्या बनाने वाली हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये कलरफुल चावल है। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाया। ये कलरफुल चावल है। तो आज का व्लॉग इन्हीं से ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है कलरफुल चावल और यहाँ पे मैंने कलर रखे हैं, एक प्लेट और फेविकॉल और बोटल। तो मैंने जो कलरफुल चावल बनाए ये पानी वाले कलर से बनाए हैं। तो चलिए अब मैं आगे की प्रोसेस। तो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ये पॉलीथीन चाहिए। ये पॉलीथीन मैं इसे बिछा लेती हूँ। तो ये पॉलीथीन मैंने बिछा लिया और इस पॉलीथीन के ऊपर मैं ये चावल रखती हूँ। ये मैंने इसमें ये सारे चावल डाल दिए। तो ये मैंने इसमें सारे चावल डाल के और इसे ऐसे फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऊपर पंखा चल रहा है, ये पॉली हिल भी नहीं है। तो मैं इसके ऊपर ये ऐसे साइड पे एक बोतल रख देती हूँ। और ये है फेविकॉल। तो मैं ये इस फेविकॉल को एक प्लेट में निकालती हूँ। तो ये मैंने इसका फेविकॉल निकाल लिया है। और तो अब ये बोतल, इस बोतल में मैं ये सारा फेविकॉल लगा दूँ। तो आप फेविकॉल लगाने में फ्रेंड्स कंजूसी मत कीजिएगा। आप जितने अच्छे से ये फेविकॉल लगाओगे ना, तो ये उतना ही आपका मतलब ये डेकोरेशन का आइटम चलेगा। तो अब इसमें सारा फेविकॉल लगा के मैंने इसमें ये बोतल को ऐसे राउंड राउंड कर रही हूँ। और राउंड राउंड करने के बाद इसमें जितने चावल चिपक गए ठीक है, और जितने नहीं चिपकते वो आप चावल को उठा के अपने हाथ से डाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे डाल के, और जहाँ जहाँ पर आपको बीच में गैपिंग लगती है वहाँ पर आप फेविकॉल थोड़ा और यूज़ कर लीजिए और उसको लगाइए। ये देखिए मेरे बीच में जहाँ जहाँ गैपिंग दिख रही थी तो मैंने उसमें वहाँ पर फेविकॉल लगाया और फिर से उसको उसमें चावल डाल के उसे डेकोरेट किया। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। और जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ना ज़्यादा खाली है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फेविकॉल लगा के और ये वो कर दीजिएगा। तो अब मैंने ये लगा दिया। और अब इसके बाद ये चावल लगने के बाद मैं इसे एक या दो घंटे के लिए इसे क्या कहते हैं सूखने के लिए रख दूँगी। और सूखने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी ये कैसा बना है। अब मैं फटाफट से अपने बर्तन धो लेती हूँ और फिर मैं आगे को देखती हूँ क्या काम रह गया मेरा। और अब मेरे सारे बर्तन धुल गए, मैंने सफाई कर ली है। और अब मैं यहाँ लौकी लेके आ गई हूँ। अब मैं लौकी छीलूँगी और आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते। और चलिए अभी इसे काट लेती हूँ।
मैंने अब लौकी छील ली है। अब मैं इसे फटाक से कद्दूकस करती हूँ और कद्दूकस करने के बाद मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी। ये पूरा हो चुका है। अब मैं और लेली फटाक से पूजा करते हैं। पूजा का टाइम हो गया था, अब हम लोग पूजा कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या काम होता है। कितना अच्छा ये बन गया देखो। और मैंने ना इस पे प्लांट्स लगा दिए, ये देखिए देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और आप चाहे तो ना दो बना सकते हैं, ऐसे दो बना के सेट, और इसमें मनी प्लांट है वो भी प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें ये ये प्लांट सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है, मैं इसमें मनी प्लांट या फिर देख। तो देखिए मैंने तो अपना ये जो बनाया था तो मैंने यहाँ पर रख दिया, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।